ग्लास तोड़ना है तो तोड़ दो ना जमीन पर, क्योंकि ऐसे तोड़ोगे तो सच में हो जाओगे। क्या बोल रही हो? यही कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है क्रिश? कहीं बिंदी और सैम की केमिस्ट्री देख के तुम्हें जलन तो नहीं थी? ऐसा कुछ भी नहीं, जब देखो बिना सब डर के बातें करें। जब हमने बताया था तब तूने कान में रुई डाल रखी थी का? हमने सब सुना था। तो सुना था तो याद है ना? अरे घर में सब ने निर्जला व्रत रखा है, यहाँ तक कि बल्लू, बल्लू की तबीयत ठीक नहीं है उसके बावजूद भी बल्लू ने निर्जला व्रत रखा है, और तू? अरे चलो चलो, अच्छी बात है, इंडिया ने बड़की बहू की मदद की है ना बल्लू? जो भी करते हैं ना बंदी की छोट पे करते, क्रिश से हक मांगा तो बंदी की छोट पे, उसे आजाद किया तो भी बंदी की छोट, के लिए व्रत रखने तो नहीं रखा। अरे क्या डंकी की चोट, डंकी की चोट? अरे उस चोट का क्या जो क्रिश को लगी हुई है? अच्छा क्रिश बिंदिया फायर करे तो चलेगा, कोई और करे तो मरेगा। ऑनेस्टली मुझे तो ना पूरा हिस्ट्री बन चुकी है, आखिर बनेगी क्यों? सलाम जैसा हैंडसम कटलिकल एंड हेल्दी लड़का होगा तो बिंदिया तो क्या कोई भी बच जाए। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब है वो स्टेप तो सामने को पटाने से ही लगती है। अच्छा लगाया क्रिश पर चीटिंग का इल्जाम, बिंदिया ने रखा सैम के लिए व्रत। वेल शो सुहागन के ऑनसेट से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नई अपडेट, जहां अपकमिंग ट्रैक में ही आप देखने वाले हैं किस तरीके से यहां पर बिंदिया जो है उसने सैम के लिए निर्जला व्रत रखा है। जी हाँ, दरअसल घर में सभी लोगों ने निर्जला व्रत रखा है लेकिन पायल ने नहीं रखा और इस बात पर दादी भड़कती हुई नजर आती है। तो वहीं पायल आरोप लगाती है क्रिश पर चीटिंग का। जी हाँ, पायल क्रिश से पूछती हुई नजर आती है कि कहीं सैम और बिंदिया की बढ़ती हुई नजदीकियों की वजह से क्रिश को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बिंदिया जो है वो सैम के लिए निर्जला व्रत रखती है। ये बात जानने के बाद क्रिश जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आता है और ऐसे में पायल इसी बारे में पूछती नजर आती है क्रिश से। हालांकि क्रिश इस बात से इनकार कर देता है कि उसे बिंदिया और सैम को साथ देकर जलन हो रही है। वेल, इस पूरी अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शो से जुड़ी हुई इस तरह की ढेर सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।